तो कहूंगा भाई, जो भी इस गाड़ी को पहली बार चलाएगा ना, सबके दिल में बैठ ही जानी है भाई। वो तेरा क्या ओपिनियन है ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो को लेके? भाई लेनी है तो ब्लैक कलर में लो, वरना कुछ रुतबा नहीं है तुम्हारा भाई। इस गाड़ी का रुतबा ना यार, कोई गाड़ी मैच नहीं कर सकती आने वाले टाइम तक भी। भाई सारे भाई ने कैसे हैं सारे भाई, उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया, और कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है कभी तुम्हारे भाई को। तो भाई आज लेकर आया हूँ वीडियो, किस चीज से आज भाई देने वाला हूँ अपना ड्राइव रिव्यू स्कॉर्पियो के ऊपर, कि चलाने में कैसी है, कैसी मुझे फील हुई अब तक, हर चीज बताने वाला हूँ। तो भाई तुम्हें वीडियो को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है, और जो हमारी वीडियो शूट करा कार्तिक वो भी चला के देखेगा, वो भी अपना रिव्यू देगा इस गाड़ी के प्रति कि उसको ये गाड़ी चलाने में कैसी लगती है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। बैठ गए गाड़ी के अंदर, अब शुरू करने वाले हैं आपको अपना ड्राइव रिव्यू, ड्राइव ओपिनियन देंगे इस गाड़ी के बारे में। कार्तिक भी चलाएगा पर पहले चला के देखूंगा मैं क्या कर रहा। कार्तिक आप तो भैया चलाते ही हो, मैं मुझे नहीं देते आप चलाने को, तो भाई इसे भी देंगे चलाने को। पहले जरा फटाफट फर्स्ट गियर में डाल के भाई चलते हैं। तो चलो ये भाई मजे आ गए, कतई सिस्टम ही फाड़ दिया गाड़ी ने। तो भाई देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी अगर चीज बोलूं ना भाई, ये गाड़ी किस चीज के लिए जानी जाती है भाई? ये गाड़ी जानी जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने रुतबे के लिए और अपनी ड्राइविंग फील के लिए। भाई जो ड्राइविंग फील ये है ना, समझ गए भाई इस चीज से? नहीं समझे तो बताता हूँ भाई। जो ये बोनट दिखता है ना भाई इस गाड़ी को चलाते हुए, मतलब भाई इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस देता है ना, मतलब रोड पे ऐसा लगता है कि भाई तुम ही राजा हो, तुमसे ऊपर भाई कोई भी नहीं है। और भाई ये देखो बीच में भाई हट जाओ, रास्ता वास्ता दे दो। यानी कार्तिक बता, जैसे तूने भी चलाई है गाड़ी कई बार, तो मतलब लगता नहीं बिल्कुल? दूसरी गाड़ी और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हमें पूरा बोनट दिखता है और इससे बहुत आसानी होती है चलाने भाई। वही तो, अगर कोई भाई लर्नर भी है ना, मतलब कोई गाड़ी चलानी सीखता है, तो भाई अगर वो बड़ी गाड़ी से सीखता है ना भाई, तो उसे भाई गाड़ी जल्दी आ जाती है भाई। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ भाई, ये फैक्ट है अगर आप सीखते हो ना बड़ी गाड़ी से, क्योंकि भाई इसमें इजी क्या होता है, इसमें आपको एज टू एज भाई पूरा बोनट दिखता है गाड़ी में, तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि मुझे इतने एरिया में गाड़ी मोड़नी है या नहीं। कार्तिक इजी होता है इसे चलाने या नहीं? तो भाई यार मतलब बेहतरीन है भाई इसकी ड्राइव फील तो गाड़ी की यार, मतलब जहां तक मुझे याद है सन 2000 या 2002 से ये गाड़ी मार्केट में आ रही है। 20 साल इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में भाई पूरे हो चुके हैं, और जो लेकिन भाई जो आज भी इस गाड़ी का रुतबा है भाई, इस गाड़ी का रुतबा ना यार कोई गाड़ी मैच नहीं कर सकती आने वाले टाइम तक भी। इस गाड़ी ने भाई अपने कस्टमर्स का टेस्ट जो है ना भाई इस प्रकार बना दिया भाई, मतलब उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता आज के टाइम में और आने वाले टाइम में भी, जो मैं सोचता हूँ। बाकी आपकी क्या सोच है इस गाड़ी को लेके वो आप कमेंट सेक्शन बताओ, कमेंट सबके लिए भाई खुला हुआ है। तो चलो अभी फटाफट पहले से हाईवे पे लेके चलते हैं। अभी आ चुका इस वाली साइड पर भाई, गाड़ी का लॉक लगा दिया भाई साहब, वो बाहर ही खड़ा है भाई, मतलब भाई वो बाहर खड़ा बंदा, उसे मैंने कहा तू गाड़ी चला और अपना रिव्यू दे, भाई वो बाहर ही खड़ा भाई, मैं नहीं खोल रहा, जा तू घर जा, जा ना भाई तू घर जा, भाई खोल देने के साथ आ जा बैठ जा भाई बैठ भाई, ये तो तेरे साथ ओपी हो गया भाई एपिक। तो कार्तिक भाई अब तुम्हें चलानी है गाड़ी, और भाई सारे भाइयों को अपना ड्राइव रिव्यू देना, तुझे कैसी लगी ये गाड़ी चलाने में। सो गाइस कार्तिक ने गाड़ी चलानी कर दी है भाई शुरू, और हम बैठ चुके हैं पैसेंजर साइड और कार्तिक है ड्राइविंग सीट पे इस टाइम। तो कार्तिक गाड़ी चलो अपनी, मतलब स्ट्रेच वे स्ट्रेच करके देख एक बार बढ़िया तरीके से। तो भाई देखो वाह भाई क्या मौसम हो रहा है यार, मौसम ने तो कैसे कसम से यार मजे ही दिला रखे हैं। ओए होए 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 क्या व्यू आ रहा है भाई, कसम से क्या मौसम हो रहा है। तो कार्तिक कैसा लग रहा है? मैं तो कहूंगा भाई, जो भी इस गाड़ी को पहली बार चलाएगा ना, सबके दिल में बैठी जानी है भाई, सबको मन करेगा कि यही ड्रीम कार है भाई। वो बात तो है भाई, जो भी बंदा मतलब चलाता है ना भाई, उसके मन में ऐसी बैठ जाती है गाड़ी, मतलब दिल में भाई दिल को छू जाती है, मतलब बंदे यूं कहते भाई ये क्या ही जहाज है। कार्तिक एक बात होता, ये जहाज है या नहीं है? ऐसा लगता है सबके ऊपर ही चल रहा है भाई सब, मतलब भाई जो इसकी फील है ना रोड से ऊपर, एक किंग टाइप राजा वाली फीलिंग, रोड के राजा हो आप, वो फीलिंग आती है भाई आपको स्कॉर्पियो में बैठ के। और जहाँ भाई खास के ब्लैक कलर हो भाई, वहां तो ओए होए होए होए, स्कॉर्पियो और ऊपर से ब्लैक कलर भाई चार चांद लग जाते हैं। कार्तिक तेरा क्या ओपिनियन है ब्लैक कलर में स्कॉर्पियो को लेके? भाई लेनी है तो ब्लैक कलर में लो, वरना कुछ रुतबा नहीं है तुम्हारा भाई ये बात तो ठीक कह रहा भाई, ब्लैक कलर में जो इस गाड़ी का रुतबा है ना भाई, वो भाई अनमैचेबल है। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है साफ सफाई में, पर भैया ये बात तो है ब्लैक में लो भाई। देखो हाँ देखो भाई, ब्लैक गाड़ी में मेहनत तो है साफ सफाई में, पर भाई जो चमकती है ना, जो आपको पब्लिक रिएक्शंस मिलते हैं फिर उसके बाद भाई, वो अनमैचेबल है भाई कोई गाड़ी, मतलब भाई अगर आप ये लेके निकल रहे हो, थार लेके निकल रहे हो, तो भाई थार से ज्यादा लोग स्कॉर्पियो को मुड़ मुड़ के देखते ही देखते हैं। तो भाई अब हम जरा आ गए मार्केट की तरफ, तो भाई अपना इधर से ले लेते हैं, अंदर फेज टू में जाना हमको, तो चलो अभी जरा आपसे आगे मिलते।
अब आ चुके हैं हम अपनी फेस टू की मेन रोड पे। तो भाई कार्तिक, हाँ एक चीज हम इन्हें बताना भूल गए, जो इसकी ब्रेकिंग है तुझे, मतलब देख महिंद्रा की जो पहले जो ब्रेकिंग वगैरह थी ना थार में, जो पहले आती थी मतलब और गाड़ी में भाई, वो इतनी बढ़िया ब्रेकिंग नहीं दे पाती थी पहले महिंद्रा, पर अब जो इस गाड़ी में भाई ब्रेकिंग इंप्रूव करी है उसको लेकर तेरा क्या कहना है? मेरे हिसाब से चाहे इसमें चार डिस्क ब्रेक भी नहीं है, पर दो हैं, पर चार के बराबर ही हैं भाई, सही मान के चलो। ये बात तो है भाई, मतलब इसमें जो दो डिस्क है ना, आगे डिस्क है पीछे ड्रम ब्रेक है, लेकिन भाई जो उसके डिस्क मतलब जो ब्रेकिंग इंप्रूव करी है ना महिंद्रा ने, वो भाई नेक्स्ट लेवल ब्रेकिंग इंप्रूव करी है। पहले तो भाई ऐसा लगता था कि गाड़ी रुकेगी ही नहीं, पर भाई अब तो मतलब फुल कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई मैं इजीली गाड़ी कंट्रोल कर लूंगा या नहीं कर, या नहीं कार्तिक सही बात है या नहीं? भाई बिल्कुल, देखो यार ये चीज तो है, महिंद्रा कहीं ना कहीं भाई इंप्रूवमेंट तो अपने में ला रहा है भाई टाइम टू टाइम, तो भाई अच्छी चीज है भाई, अपने इंडिया की कंपनी है भाई, सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो भाई कहता हूँ कि सपोर्ट करो। बस देखो सामने भाई एक और स्कॉर्पियो हो रही है मेरी जान। तो भाई चलो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, लेते हैं आपसे अलविदा, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।